प्रेशर और बॉइलिंग के भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ये सब चीजें हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। देखो ये जो सब्सटेंसेज आप देख रहे हो, क्या इस सारे सब्सटेंसेज को हम प्योर बोलेंगे? क्या ये मिल्क नहीं तो प्योर है, घी प्योर है, सॉल्ट आयोडाइज, प्योर है, टैप वाटर को हम प्योर बोल सकते हैं? तो जब हम प्योर वर्ड की बात करते हैं तो प्योर वर्ड का एक्चुअल मतलब होता क्या है? प्योर वर्ड का एक्चुअल मतलब है क्या? पर उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो, एक ही टाइप के सब्सटेंस और सब्सटेंस हो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हिच आर चाहे ऑल सेम। एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, कोई भी चीज, एक तरह का सब्सटेंस वहां पे होना चाहिए। इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो भी हो एक तरह का सब्सटेंस हो तो हम लोग उसको बोलेंगे प्योर। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, क्या ये सारी चीजें प्योर है? यहाँ पे कोई भी चीज इसमें प्योर नहीं है। तो हम जज कैसे करते हैं कि कोई सब्सटेंस प्योर है? तो सिंपल सिंपल है कि जो चीज सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्योर, और जो एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेज से मिलके बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर। जैसे हमारे लिए जो है प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग जब प्योर वर्ड की बात करते हैं तो हम प्योर वर्ड का मतलब ये समझते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो उसको प्योर बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्योर का अगर साइंटिफिक मतलब देखा जाए तो प्योर वर्ड का साइंटिफिक मतलब होता है, क्या होता है प्योर वर्ड का साइंटिफिक मतलब? जो सिर्फ एक तरह के सब्सटेंस में। और जब हम इम्प्योर की बात करेंगे तो इम्प्योर का मतलब क्या हो गया? इम्प्योर का मतलब हुआ इट इज मेड अप ऑफ, एक से ज्यादा टू हाँ, टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, व्हेन द साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। कहने का मतलब जो भी सब्सटेंस है सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा। प्योर मतलब एक तरह का पार्टिकल हो गया। तो जब हम इम्प्योर की बात करते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सी वाटर, मिनरल्स, सोयल, इसमें क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर या फिर उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्योर। क्लियर हुआ प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेज? तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म्स ऑफ द मैटर। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। देखिए फिजिकल स्टेट की, फिजिकल मैटर के बेस पे बात करें, फिजिकल बेसिस पे, तो मैटर को हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमने पिछली क्लास में पढ़, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया प्योर सब्सटेंस और दूसरा हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? अब कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जरा इसको ध्यान से। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट का मतलब जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा। जैसे मान लीजिए ये गोल्ड की कॉइन है, गोल्ड का सिंबल होता है AU, या फिर मान लीजिए कि ये एक आयरन की नेल है। अब ये जो आयरन की नेल है, ये इसमें अगर हम इसको तोड़ना शुरू करें तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो भी आयरन ही होगा। गोल्ड की जो कॉइन है, इसको अगर हम तोड़ना शुरू करें तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो भी गोल्ड ही होगा, है ना? तो ये जो गोल्ड की कॉइन है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। तो इसको, ये जो कॉइन है गोल्ड की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ गोल्ड। क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ गोल्ड।
और ये जो आयरन का ने आयरन नेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ आयरन, ठीक है, ये आयरन एलिमेंट हो गया। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट कर, केमिकली रिएक्ट करें। अब जैसे मान लो एक सब्सटेंस है वाटर, नहीं इसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। कोई भी मान लो पानी है, अब पानी को आप चाहे जो भी करो, गर्म कर लो, ठंडा कर लो, क्या वो पानी का फॉर्मूला H2O से चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होने वाला है, आसानी से तो नहीं होगा। उसका एकमात्र तरीका है जो केमिकल तरीका है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। जब तक वो तरीका नहीं करेंगे, प्रोसेस यूज करेंगे, तब तक वाटर तो H2O ही रहेगा, चाहे आप उसको जितनी भी टेम्परेचर पे गर्म कर लो, चाहे आप उसको जितना भी ठंडा कर लो, रहेगा तो वाटर ही। तो वाटर जो है दैट इज कंपाउंड। क्यों कंपाउंड? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करके यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया है, जिसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से भी अलग है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से भी अलग। एक नई सब्सटेंस है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो उस तरह के सब्सटेंस को हमने क्या बोला, कंपाउंड, जहां पे सब्सटेंसेज केमिकली रिएक्ट किए हो, एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट किए हो और रिएक्ट करके वो हो गया। ऑक्सीजन देखोगे तो अलग एलिमेंट हो गया, लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन किया तो वो एक नया सब्सटेंस बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से अलग है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे तुम जो भी करो, ठंडा करो, गर्म करो, जो भी करो, रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही। उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना कितना मुश्किल काम है, सोचो, नहीं किया जा सकता ना अलग अलग। तो ये सब्सटेंस जो है क्या बन गया, जब केमिकली आपस में रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया, कंपाउंड। अब हम लोग आ जाते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जो है सिंपल मिक्सिंग, दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे वो बन जाएगा मिक्सचर। तो हम लोग बात कर रहे थे मिक्सचर की, तो मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग है, दो सब्सटेंस को मिक्स किया। मिक्सचर जब हम बनाएंगे तो दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, एक तो होमोजेनस मिक्सचर हुआ, दूसरा हेटरोजेनस मिक्सचर हुआ। होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे जब दो सब्सटेंस को यूनिफॉर्मली मिक्स किया, यूनिफॉर्म। जैसे पानी में आपने मिला दिया चीनी, मान लो कि एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में आपने चीनी मिला दिया, तो अब इस चीनी मिलाने के बाद बताओ, तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि इसमें कहाँ पानी है और कहाँ चीनी है? नहीं बता सकते ना, वो पूरी सॉल्यूशन एकदम यूनिफॉर्म बनेगी, है ना, उसमें तो अलग अलग नहीं बताया जा सकता। तो उस तरह की सॉल्यूशन जो बनेगी, उस तरह की मिक्सचर जो बनेगी, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनस। होमोजीनस का ही दूसरा नाम यूनिफॉर्म। अगर इसी पानी में हम थोड़ा सैंड मिला दें, तो अब बताओ क्या सैंड और पानी प्रॉपरली मिक्स होंगे? नहीं होंगे। यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन सैंड पार्टिकल एंड वाटर। तो उस तरह की जो मिक्सचर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट है तो पूछो। चलिए, प्योर सब्सटेंस बता दिया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। प्योर सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर हैं, ये ध्यान रखना, ये प्योर नहीं, ये हाँ। और कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, सब के सब प्योर हैं। मिक्सचर बस सिंपल ये याद रखिए, उस दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे एयर है, एयर में कई सारी चीजें हैं, वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कई सारी गैसेस, और वो सब के सब मिक्सचर के फॉर्म में। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मिक्सचर जो है दैट इज दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस वहां पे होंगे। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजिली, है ना, उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। यहाँ से एक सेपरेशन टेक्निक भी है जो अभी सिलेबस से हट गया आपके। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, जबकि मिक्सचर की कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है।
प्योर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की अपनी प्रॉपर्टी नहीं। तो अगर आपको ये डिफरेंस लिखना है तो लिख लो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच का। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर अभी देखा आपने, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस जो एकदम यूनिफॉर्मली, देखो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स। हेट्रोजेनस यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। ये सब बता रहा हूँ होमोजेनस के बारे में। होमोजेनस में क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दैट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, द मिक्सचर इज स्टेबल मतलब सेटल डाउन नहीं होगा, और इसमें पाथ ऑफ लाइट जो होती है दैट इज ऑल्सो नॉट विजिबल। अगर हम इसमें लाइट डालें, आपको एक डायग्राम में अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसमें जो है आप क्या देखोगे कि विजिबल नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे कोई भी उस तरह का पाथ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू पार्टिकल तो सॉल्यूशन सबसे जो है स्ट्रॉन्ग पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, तो वहां पे जो है कभी पार्टिकल का पाथ नहीं दे, वहां पे लाइट का कभी पाथ नहीं दिखाई देगा। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन दिस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ, जैसे इसका एक एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सब जो है ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन होने के कारण जो है ये कभी भी आपको पाथ नहीं शो करे। तो ये हो गया होमोजिनस मिक्सचर के बारे में। देखो ये जो होमोजेनस मिक्सचर है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, KMnO4 का सॉल्यूशन, ये भी याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, अच्छा मैग्नीज मैग्नेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, और इसमें भी कभी पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हो। हाँ, Mn मैग्नीज होता है, के पोटेशियम हो गया, Mn इज मैंगनीज और O ऑक्सीजन। सर, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है ना? कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जो कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, इट कैन इजिली बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, फाइन फिल्ट्रेशन से उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, द मिक्सचर इज अनस्टेबल, थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन दिस मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर इस तरह का, जैसे जहां पे मान लीजिए कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड, ये दोनों प्रॉपर मिक्स ही नहीं होंगे एक दूसरे में। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, ये दोनों भी प्रॉपर मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जहां पे इमिसिबल है, इमिसिबल खासकर हम लिक्विड के लिए बोलते हैं, जैसे पानी में ऑयल इज इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता, बट इमिसिबल टर्म यूज किया जाता है लिक्विड के लिए। सॉलिड के लिए नॉट सॉल्युबल सीधा बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते। अब जैसे यहां पे देखो, कैरोसिन ऑयल वाटर दोनों इमिसिबल है, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाए आप चाहे जितना भी मिक्स कर दो, वो दोनों सेपरेट ही रहेगा। तो ये सब चीजें क्लियर है। इसमें देखो, इसमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, बताओ आइस क्या है, प्योर प्योर कि इम्प्योर? प्योर प्योर हो गया, मिल्क प्योर इम्प्योर, प्योर 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 हो गया, HCl प्योर प्योर प्योर, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर, मरकरी प्योर, प्योर ब्रिक प्योर इम्प्योर, वुड एयर प्योर इम्प्योर, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ होमोजेनस हेट्रोजेनस, ये तो लिख ही लिया अभी आप लोगों ने। क्लासिफाई इच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजेनस, सोडा वाटर क्या होगा,
होमोजेनस होमोजेनस। वुड क्या हेटरो होगा? या हेट्रोजेनस हेट्रोजेनस। एयर क्या होगा? होमोजेनस। होमोजेनस नहीं, वो एयर इज होमोजेनस, पॉल्यूटेड एयर इज हेट्रोजेनस। कंफ्यूज मत होइएगा, एयर इज होमोजेनस, पॉल्यूटेड एयर की जब हम बात करेंगे ना, देन इट इज हेट्रोजेनस। सॉइल क्या है? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेन होमोजेनस विनेगर क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, विनेगर क्या सॉल्यूशन है? इज वो विनेगर एसिटिक सॉल्यूशन? एसिड का होता है ना। यस इट इज सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड इन वॉटर। विनेगर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज एसिटिक एसिड इन वॉटर। तो विनेगर जो है सॉल्यूशन है, एंड दैट इज, विनेगर देखा है ना, बिल्कुल यस क्लियर सॉल्यूशन यस होता है, दैट होमोजेनस इज होमोजेनस। फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड होमोजेनस टी होमोजेनस, देखो देख करके पता चल जाता है होमोजेनस होगा। चलो ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन और इसकी प्रॉपर्टीज में। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे दो चीजें होगी, एक तो होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे? व्हिच इज लेसर इन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? व्हिच इज हायर इन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो जैसे यहाँ पे सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। शुगर को वाटर में मिक्स किया, आयोडीन इन वाटर। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत पेपर में आता है, आयोडीन इन टिंचर आए, वाटर अल्कोहल टिंचर इन, ये आयोडीन इन अल्कोहल, इसको करेक्ट करो, यहाँ पे लिख लो, इट इज आयोडीन इन अल्कोहल। ठीक है, ये लिख लो कहीं पे, टिंचर आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। एलओआई, एलओआई जो है ये भी एक सॉल्यूशन है। इनका मतलब ये नहीं होता कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म। अभी एयर को भी तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं, एयर तो गैस है, तो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, इन लिक्विड कुछ भी हो सकता है, गैस इन गैस कुछ भी हो सकता है। इसलिए सॉल्यूशन के बारे में ये समझ समझिए, सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है, ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो उसका क्राइटेरिया है कि उसका सॉल्यूट पार्टिकल का साइज विल बी लेस देन 1 नैनो। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज होता कितना है? लेस हाँ, लेस देन देन 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए नहीं दिखता। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर छोड़ भी दिया जाए तो स्टेबल सॉल्यूशन रहेगा। द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए ये जो फेनोमेनन है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, का टिंडल इफेक्ट, के लिए पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए? 100 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर 1 to 100 नैनोमीटर होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट के लिए पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर होना चाहिए, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज। लेकिन इसका सॉल्यूट पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो इसमें कभी टिंडल इफेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कोलोइड में। देखो यही वाली डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यही डायग्राम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है? जो ये मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब ए में इधर से हमने लाइट डाला, यहां से लाइट पास कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब ए में आपको लाइट की पाथ नहीं दिख रही, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में लाइट की पाथ दिख रही। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब बी जो है वो क्या होगा? कोलोइड होगा। टेस्ट ट्यूब ए जो है वो क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो कोलोइड एक हेट्रोजिनस है, बट दिखता होमोजिनस है। इट लुक्स होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजिनस, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर,
स्टार्च इन वाटर एंड एग एल्यूमिनियम इन वाटर, ये दोनों कोलोइड के एग्जांपल। तो कोलोइड की जो प्रॉपर्टी होगी, कोलोइड सॉल्यूशन इज द हेट्रोजिनस मिक्सचर लुक, बट ये दिखता होमोजिनस। देखो कोलाइड में कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, मिल्क है, ब्लड है, इंक हो गया, स्टार्च इन वाटर, एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, ये सब चीजें जो है याद रखना, ये सब के सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्वेश्चन आएंगे ही, तो ये सब जो है एग्जाम्पल याद रखना। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई बट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। द कोलोइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज होता है, पोर साइज इज अराउंड 100 नैनोमीटर। किसके हम किसकी बात कर रहे हैं, फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज होता है वो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इसलिए जो है अब इसका पार्टिकल का साइज, कोलोइड के जो सॉलिड पार्टिकल का साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो ये क्या होगा, आराम से वहां से पास हो जाएगा, इसलिए जो है ये फिल्टर नहीं किया जा सकता। द कोलोइड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, इट इज ऑल्सो स्टेबल, ट्रू सॉल्यूशन की तरह स्टेबल होगा। द पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि टिंडल इफेक्ट के लिए पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, 1 to 100 नैनोमीटर। वन टू 100 नैनोमीटर, मोर देन 1 नैनोमीटर होना, 1 to 100 नहीं, मोर देन 1 नैनोमीटर। टिंडल इफेक्ट के लिए सॉल्यूट पार्टिकल का साइज शुड बी मोर देन 1 नैनोमीटर। इसका पार्टिकल साइज देखो 1 to 100 है, ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखो बी वाले टेस्ट ट्यूब में टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ए वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो वहां पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा। तो पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, इस केस में हो गया। कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट यहां से, कोई रिलेटेड डाउट? सर मुझे चलिए सस्पेंशन में पार्शियली होता है ना, हमारे टीचर ने हमें पार्शियली बताया था सस्पेंशन। ओके सस्पेंशन में भी आते हैं, सस्पेंशन में नहीं है इसमें, सस्पेंशन इसके बाद होता है, ये रहा सस्पेंशन। सस्पेंशन में होता है, देखो सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट होगा, लेकिन सस्पेंशन में तब तक होगा जब तक कि पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो जाते। जब हम किसी सस्पेंशन की बात करते हैं, जैसे पानी में मान लो आपने मिला दिया सॉइल, तो थोड़ी देर में तो वो सॉइल सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो जब तक सेटल डाउन नहीं होगा तब तक वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। वंस इट सेटल्स डाउन, उसके बाद टिंडल इफेक्ट नहीं शो होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड। ऐसा कोई पेपर ही नहीं मिलेगा जिसमें यहां से एक क्वेश्चन, ये टेबल तो आपको याद करना ही करना है। इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट होता है डिस्पर्स्ड फेज। और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। एक सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन का वो मोर देन 100 नैनोमीटर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे जिसका पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होगा। और इतना बड़ा पार्टिकल साइज पानी में जो है रुक नहीं सकता, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, मतलब ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, थोड़ी देर छोड़ देने पे वो जो है नीचे सेटल डाउन हो जाए। पार्टिकल कैन इजिली बी सीन बाय नेकेड आई, हेट्रोजिनस होगा। कैन इजिली बी सेपरेटेड बाय फिल्टर, फिल्टर पेपर सेटल डाउन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये हो गया सस्पेंशन के बारे में। कोई तो ये वाला डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, साथ में लेबलिंग इसकी, और दूसरा कोई डायग्राम इसमें नहीं पूछा जाता, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। चलिए ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलोइड सॉल्यूशन
कोलोइड पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट और स्मोक पार्टिकल. अच्छा, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट में भी आपको ये दिखेगा. जैसे यहाँ पे देखो, इस जगह पे ये दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है टिंडल इफेक्ट. रूम में लाइट आ रही है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिख रहा है. अगर हम यहाँ की लाइट ऑफ कर दें तो प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर की लाइट जो है इसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स उठते हुए नजर आ रहे. ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अभी नहीं नजर आ रहे, लेकिन सारी लाइट को ऑफ कर दे तो वो जो डस्ट पार्टिकल नजर आ रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिंडल. यही है टिंडल, इसी को बोलते हैं टिंडल. तो टिंडल इफेक्ट के लिए पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? टिंडल इफेक्ट वन नैनोमीटर मोर से ज्यादा देन 1 नैनोमीटर. चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्लास ले लिया हमने और इस ग्लास में हमने डाल दिया पानी. अब पानी के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में गैप है. हमने पढ़ा है कि किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में गैप होता है. और इसमें अगर हम शुगर के पार्टिकल ऐड करें, तो शुगर के पार्टिकल अगर हम ऐड करें यहाँ पे, तो शुगर के पार्टिकल्स इसके बीच बीच वाली स्पेस में अपने आप को फिल करते चले. अगर इसके बीच में अभी और स्पेस खाली है जिसमें कि और चीनी के पार्टिकल्स डिजॉल्व हो सकते हैं, आ सकते हैं इसमें, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन बनती है, इस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. क्यों एडेड? क्योंकि स्पेस बिकॉज खाली देयर है स्टिल अभी, गैप बिटवीन द है पार्टिकल्स. ना, तो गैप अभी खाली है, तो इसलिए और पार्टिकल्स उसमें ऐड किया जा सकता है. लेकिन अगर इसी में हम ऐड करते रहे पार्टिकल्स और एक टाइम आए जबकि उसके बीच का सारा स्पेस फिल हो गया, अब जिसके बीच में कोई स्पेस खाली नहीं है, तो अब इस टेम्परेचर पे कोई भी पार्टिकल ऐड नहीं किया जा सकता. तो इस तरह की जो सॉल्यूशन बनेगी, अब जो सॉल्यूशन बनेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन सकता. किसी भी चीज को गर्म करने पे वहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन हो. तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, उसके बीच में और स्पेस क्रिएट हो जाए और पार्टिकल्स ऐड किया जा सकता. अच्छा, अब सैचुरेटेड को अगर हम ठंडा कर दे तो क्या होगा? तो क्रिस्टल फॉर्म आएगा. इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड. क्यों? क्योंकि ठंडा करने पे स्पेस कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो उसमें जो कुछ पार्टिकल्स उसके बीच में थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए. तो अब इस, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें कि उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अच्छा, यहीं से एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब क्या है कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूट. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इसका नाम होगा क्या, सॉल्युबिलिटी. ओके. अच्छा, सॉल्युबिलिटी अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? यस सर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि बिल्कुल सही, जब गैप्स टेम्परेचर इंक्रीज हो इंक्रीज जाएंगे. करेंगे तो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विल हो जाएंगे. डिक्रीज, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी. अब जैसे मान लो कि 100 ग्राम हम पानी लिए, उस 100 ग्राम पानी में चीनी अगर हम मिलाएंगे तो वो अलग अमाउंट डिजॉल्व होगा, लेकिन 100 ग्राम पानी में नमक डिजॉल्व करेंगे तो वो अलग अमाउंट डिजॉल्व, दोनों की अमाउंट अलग अलग होगी, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग, ठीक है. चीनी की अलग सॉल्युबिलिटी होगी,
की अलग सॉलिबिलिटी होगी। आई थिंक सर इससे, क्योंकि डिफरेंस इन सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, हाँ नमक ज्यादा बिल्कुल, छोटा हो ये तो ज्यादा फिट होगा। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है ऑन द पार्टिकल साइज, सॉल्यूट पार्टिकल उसमें जो डिजॉल्व है उस पार्टिकल के साइज पे डिपेंड। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके से निकाला जाएगा, एक तो होगा मास परसेंटेज और दूसरा होगा वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सेपरेटिंग टेक्निक्स तो आपके सिलेबस में है नहीं, ये सब है नहीं सिलेबस में, हाँ। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, एंड दैट इज ये एलिमेंट बता ही दिया, एलिमेंट बता दिया, हाँ। एलिमेंट जो है तीन तरह के हो, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटल। तो मेटल के बारे में हमने आपको बताया था कि जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होता है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टाइल, सोनोरस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट, कंडक्टिविटी, हार्डनेस होता है, सोनोरस होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लस्ट्रस होता है, उसके जो जो एक्सेप्शंस बताए हैं ना वो जरूर याद कर, एक्सेप्शन जरूर क्वेश्चन में आते। नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होगी। मेटल्स को याद रखने का तरीका होता है कि उसके अंत में, नाम के अंत में ईएम या अम लगाओ, ठीक है, ईएम या अम लगाओ। नॉन मेटल में ईएम या अम नहीं लगा, सिर्फ एक जगह पे ईएम लगा होता है वो है हीलियम, हीलियम। लेकिन वो जो है नॉन मेटल है। मेटलोइड जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होगी। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। कंपाउंड में सब्सटेंसेज आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे जो होंगे मिक्सचर में वो किसी भी रेशियो में, आप पानी में चीनी मिलाए, 2 चम्मच भी मिला सकते, 4 चम्मच भी मिला सकते, 10 चम्मच भी मिला सकते, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जब बनेगा, अब वाटर जब बन रहा है तो वो निश्चित है कि उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अमोनिया बन रहा है NH3, तो ये निश्चित है कि ये 1:3 के रेशियो में ही बन सकता, फिक्स है। लेकिन मिक्सचर में ऐसी बात नहीं, मिक्सचर में जो भी सब्सटेंसेज हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कंपाउंड में जो सब्सटेंसेज हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट की नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी। इसका मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। देखो फिजिकल चेंजेज क्या होता है, जस्ट मिक्सिंग, मिक्स कर दिया, उससे कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, जैसे पानी में चीनी मिला दिया, फिजिकल चेंज जिसको इजिली रिवर्स कर सकते। केमिकल चेंज में क्या होगा, उसको इजिली रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। केमिकल चेंज वहां पे, चूंकि केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे इजिली रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कभी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज जो है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर। बट केमिकल चेंज की बात करेंगे तो वहां पे केमिकल नेचर चेंज होगा, नया सब्सटेंस बनेगा, प्रॉपर्टी नई हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब अलग हो जाएगा, तो इसी को हम लोग केमिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको आयरन प्लस सल्फर से समझाया था ना, यस ये सर, वही वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा,